हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चौधरी जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल का यूज करके प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं, जो कि आप अपने यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप या टिकटॉक को कहीं भी प्रोफाइल में सेट कर सकते हैं। वेल, जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, पिक्सल लैब एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है लोगो डिज़ाइन करने के लिए। चलिए हम आपको ले चलते हैं पिक्सल एप्लीकेशन में और क्या करना है हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं हम पिक्सल एप्लीकेशन में। दोस्तों, आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा, इसे आप डिलीट बॉक्स पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले काम करना यह है कि आपको इसमें साइज बनाना है। तो आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इमेज साइज पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम है, तो आप इस पर क्लिक करके प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपका ये प्रोफाइल पिक्चर के लिए साइज फिट हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें कलर देना है बैकग्राउंड कलर। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 4 नंबर पे जो है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। आप सिंगल कलर भी दे सकते हैं, ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। तो हम इसमें सिंगल कलर दे देते हैं, जैसे कि रेड मुझे अच्छा लगता है। अब आपको क्या करना है, इसमें टाइप करना है आपके चैनल का नाम, जो कि शॉर्टकट में शॉर्टकट ही अच्छा लगता है, जो कि पूरा नाम लिखते हैं तो नहीं दिखता है बड़ा बड़ा। तो हम अपने चैनल का नाम लिख लिया और यहाँ पे स्क्रॉल करके टी साइज पे आपको इसको बड़ा कर लेना है। और आपको यहाँ पे से फॉन्ट सेलेक्ट करना है, स्क्रॉल करके नीचे AB फॉन्ट। तो आपको यहाँ से एक अच्छा सा ये चुनकी 5 फॉन्ट बहुत अच्छा है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, करना क्या है, आप इसको यहाँ से लेयर पे जाके इसे लॉक कर देंगे ताकि ये इधर उधर घसके ना। और फिर हमको करना क्या है, इस तीसरे वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से सेप क्लिक करना है। और यहाँ पर सेप हमको एक लेना है, ये वाला हम लेते हैं और इसका कलर हम ग्रीन रखते हैं, जो कि अच्छा है। ओके कर देते हैं। अब इसे हम चैनल के नाम इतना बड़ा करते हैं ताकि उसमें अब फिट हो जाए, इतना सही है। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके दिख रहा होगा यहाँ पे 2 बैक एंड पोजीशन, तो आपको 2 बैक करना है तो ये टेक्स्ट के अंदर चला जाएगा। और इसे ऊपर करना होगा तो 2 फ्रंट करेंगे तो यह ऊपर आ जाएगा। तो हमें इसको बैक में ही ले जाना है क्योंकि अच्छा लगेगा बैक में। तो हम यहाँ से 2 बैक कर देते हैं और फिर इसको हम इधर थोड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब करना क्या है, अब लेयर पे जाके अब बैकग्राउंड वाले को लॉक करना है और सिटी जो हमने लिखा है उसे अनलॉक करना है। तो अब आप इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से अलाइन करके इसमें फिट कर सकते हैं। तो अब इसमें अच्छा लग नहीं लग रहा है, अभी वाइट कलर है, तो आपको इसमें कलर भी चेंज करके देख लेना है, जो भी आपको अच्छा कलर लगे। जैसा कि मैं वाइट ही रखने देता हूँ। तो ये यहाँ से वाइट कलर हमने सेलेक्ट किया तो अभी ये ठीक नहीं लग रहा है, हम इसमें स्ट्रोक देंगे। तो अब स्ट्रोक पे जाइए, इनेबल करें, तो अभी ये लग रहा है कि हमने कुछ टाइप किया है। तो ये दोस्तों, अब ये अच्छा लग रहा है, स्ट्रोक हमने दे दिया है। अब आप इसमें शेडो भी दे सकते हैं, जो कि अच्छा लगता है। ये अभी ब्लैक शेडो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको इसमें जी हाँ येलो शेडो देना है। और ओपिसिटी को लगभग 58 या 55 रख देना है और ब्लर रेडियस को 1920 रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है और वहाँ पे इनर शेडो में आपको रेड देना है। अब ब्लर रेडियस को 10 से लेकर 15 के बीच में रख सकते हैं या 7, ठीक है, या ऑफसेट है, आप कितना वाइट रखना चाहते हैं कितना रेड रखना चाहते हैं, तो इतना पर ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे। तो दोस्तों, ये कुछ इम्बोस को ओके करेंगे इनेबल, तो आप यहाँ से लाइट को बल्ब जैसा इसको 41 डिग्री पे आप घुमा दीजिएगा। दोस्तों, ये है फाइनली बन चुका है लोगो हमारे चैनल के लिए, हमारे प्रोफाइल के लिए, हम कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, बारी आती है इसे सेव करने का कि हम इसे सेव कैसे कर देंगे।
दोस्तों आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट के साइन मिल रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेव एज प्रोजेक्ट मिलता है और सेव एज इमेज। सेव एज प्रोजेक्ट में आप इसे प्रोजेक्ट में सेव कर देंगे तो आप जब चाहे जब इसे एडिट कर सकते हैं। और सेव एज इमेज पे जाना है और यहाँ पे फॉर्मेट पे आपको PNG सिलेक्ट करना है जो कि HD क्वालिटी रहता है। और यहाँ पे डायमेंशन कस्टम है तो आपको वेरी हाई पे क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या, वेरी हाई पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज HD में सेव होगा और आपको इसे सेव कर देना है। तो हमारा इमेज सेव हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली ये सेव हो चुका है, अब आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं।